अगली खबर में बात करते हैं गया की, जहां जदयू कार्यालय का उद्घाटन नागमतिया रोड गया में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने फीता काट कर किया। उक्त अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि आज जदयू के कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दे। जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए कटिबद्ध है उनके साथ पार्टी भी खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सातों दल चट्टानी एकता के साथ खड़ी है। तत्पश्चात गया महानगर कार्यालय जीबी रोड स्थित गए उक्त कार्यालय में जदयू महानगर के कार्यालय में जिला अध्यक्ष महानगर राजू बनरवाल ने अपने सैकड़ों जदयू के समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय आए। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का जोरदार स्वागत किया गया। उक्त मौके पर राजू बनरवाल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय में संगठन धारदार और मजबूत हुआ है। और यहाँ मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज जिला जनता दल गया जिला जनता दल यूनाइटेड का जिला कार्यालय का उद्घाटन करने का अवसर मिला है। और इस अवसर पर मैं इनको जिला अध्यक्ष अभय कुशवाहा और विधायक जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके पूरे टीम को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि मुझे पूरा उम्मीद है कि यह जो कार्यालय है आने वाले दिन में अपना जनता दल यूनाइटेड का पंचल रहा है। और हम यहाँ आए हैं, बहुत यहाँ के लोगों का स्नेह प्यार और आभार समर्थन मिला है और हम उन लोगों से बात करेंगे, एक जो कार्यक्रम है फिर अवगत कराएंगे। प्राप्त है ये आप जानते हैं कि समाजवाद विचारधारा के दो बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी, तमाम जो कांग्रेस हम और सीपीएम सीपीआई और माले सबका जो समर्थन मिला है। और निश्चित रूप से जो आने वाला मेरा कल है जो 2024 जो पार्टी का मिशन है उस मिशन में हमें कामयाबी मिलेगी। अच्छा, कहा जा रहा है बार बार कहा जा रहा है कि जेडीयू पार्टी का विलय हो जाएगा, ये कई बार बातें सामने आई हैं, समता पार्टी की तरह किसी एक पार्टी में विलय। अरे ये सब तो आपको जो आप लोग जो साथी हैं मीडिया के साथी यही लोग आप लोग दिखाते रहते हैं, समझे। प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी दूसरी बार जब निर्वाचित हुए उस निर्वाचन के बाद में पहली बार गया में पदार्पण हुआ है उनका, और ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्री अभय कुशवाहा जी तीसरी बार मनोनीत किए गए हैं। तो उनका कार्यालय का शुभारंभ था, उस कार्यालय के शुभारंभ के शुभ अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है और उस आगमन के दौरान हमारे यहाँ भी उनका पदार्पण हुआ। हम स्वाभिमान से निश्चित रूप से जनता दल यू परिवार गया जिले में सभी लोग रहने वाले सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक उनके चले हुए मार्ग को प्रशस्त करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से उनके आगमन से जनता दल यू में और जनता दल यू के पार्टी के सभी सम्मानित साथियों में एक हर्ष और उल्लास भरा है, जोश भरा है। और उन्होंने जो कहा है अपने मुखारविंद से जिन शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। हम उनको बधाई और शुभकामना देते हैं कि आपका पदार्पण गया में हम पार्टियों में हर्ष और उल्लास के साथ में काम करने का ताकत देगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।